साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। कहीं गैंग वॉर, कहीं हत्या, कहीं लिंचिंग तो कहीं दंगा, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं किसानों पर लाठीचार्ज तो कहीं मीडिया वालों पर अत्याचार। क्या पंजाब में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है? क्या पंजाब स्वीट आतंकवादी और खुद को अराजकतावादी बताने वाले केजरीवाल की अराजकता की प्रयोगशाला बन चुका है? पंजाब में 21 दिनों में 19 लोगों की हत्या किस बात का इशारा करता है? वैसे जंगल राज का ये आरोप कोई और नहीं बल्कि एक समय केजरीवाल के बेहद करीबी रहे सिद्धू ने लगाया है। और आपको याद होगा कि चुनाव से कुछ महीने पहले कैसे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक दूसरे की तारीफ करते थे, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन आज जो सिद्धू ने बयान दिया है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, जंगल राज इन पंजाब, गैंग वॉर्स रिमेन अनचेक्ड, 25 पीपल ओपन फायर एट, अब उन्होंने एक लिखा है मबोके विलेज इन फिरोजपुर की बात है, किलिंग हिम ऑन द स्पॉट, देयर इज नो फियर ऑफ लॉ, गवर्नमेंट इन डीप स्लम्बर। अब जरा आप खबरों में देखिए, पंजाब में जंगल राज की शुरुआत हो चुकी है जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं। मैं आपको कई सारी खबरें जो मैंने अभी कहा ना, गैंग वॉर, हत्या, लिंचिंग, दंगा, मीडिया वालों पर अत्याचार, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। आप देखिए, मशहूर कबड्डी खिलाड़ी धर्मेंद्र सिंह की हत्या जो हुई है ना, वो किस बात का इशारा करती है? इसमें क्या लिखा है खबरों में देखिए, गैंग वॉर में कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, यूनिवर्सिटी के सामने गोलीबारी, यूनिवर्सिटी के सामने। पंजाब में गैंग वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने दो गुटों में कहा सुनी के बाद गोली चल गई, इसमें कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो गोली चली है वो यूनिवर्सिटी में सबके सामने, और पुलिस को पता भी नहीं चला, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अच्छा चलिए, एकाध घटना होती तो हो सकता है कि इस पर आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, भाई कोई भी कहीं भी लड़ सकता है, गोली चला सकता है। लेकिन अब आप आगे की बात देखिए, ये घटना मंगलवार रात की है, इससे ठीक पहले 14 मार्च को एक कबड्डी खिलाड़ी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, और वो भी याद रखिएगा टूर्नामेंट के दौरान सबके सामने भरी भीड़ में। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, पंजाब के मशहूर कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल की गोलियों से भूनकर हत्या, टूर्नामेंट के दौरान भरे मैदान में मारी गोली। मतलब ज़रा देखिए कि बदमाशों के हौसले किस प्रकार से बुलंद हो गए हैं। और तभी शायद उन्होंने एक सरकार जो प्रचंड बहुमत से पार्टी जीत कर आई है, और मतलब क्या है, अभी कितना हो रहा है, 7 अप्रैल है, आप समझिए कि एक महीना भी नहीं हुआ और उसमें ये बातें कही जा रही हैं। और ठीक इसी प्रकार फिरोजपुर में एक कांग्रेस कार्यकर्ता की पीट पीट कर लोगों ने हत्या कर दी। ये घटना 30 मार्च की है, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और याद रखिएगा, मेरे पास हर जो ये घटना बता रहा हूँ ना, उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं और मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कई सारे वीडियो इतने खराब है, पीटते हुए, मारते हुए, लिंचिंग की घटना है, वो दिखाना नहीं चाहता मैं आपको। अब देखिए, इससे पहले 22 मार्च को पंजाब के मजीठा में सांप्रदायिक दंगे हो गए। और आप याद रखिए, क्या कहीं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबरें आपको दिखाई पड़ रही हैं? कहीं नहीं, सन्नाटा है, 0/0 सन्नाटा, कुछ नहीं। इतनी सारी घटनाएं, आप देखिए इस दंगे की, जो मजीठा में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उसे शांत कराने के अभी तक प्रयास चल रहे हैं। मतलब हत्या, लिंचिंग, दंगा और खून खराबा, ये इस समय पंजाब की पहचान बनती जा रही है। साथियों, ये सारे मामले, एक तरफ जहां पंजाब में कानून व्यवस्था, जो बदहाल कानून व्यवस्था है, उसकी स्थिति को उजागर कर रहे हैं, वहीं राज्य में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले केजरीवाल की ईमानदारी की पोल खोल रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार वो वाले नहीं हैं
कि आपने फोकट का वादा किया चुनाव में और चुनाव जीत गए और उसके बाद उसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच गए, बल्कि मुख्यमंत्री जी ने वहां पे भगवंत मान ने अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते देते अपनी ही भ्रष्टाचार की उन्होंने पोल खोल दी। अब क्या किया, उन्होंने बताया कि एक पुल बनाना था, किसी ने बताया जो भी एक सिस्टम होता होगा कि इस पुल का बर्ग को बनाने का खर्चा 1,80,00,000 रुपये है, लेकिन भगवंत मान के इंजीनियर दोस्त ने उसे 6,00,000 रुपये में बना दिया। मतलब खुद भगवंत मान कह रहे हैं, आप एक छोटा सा हिस्सा देखिए और पुल भी देखिए। 1,80,00,000, मैं क्या 5 करोड़ का साल का मिलता है, मैं 2 करोड़ लगभग एक पुल ते ला दूंगा। एक मेरा दोस्त है इंजीनियर है, मैं तो जूनियर हूं, दस कहते मैं इतों करा लिया करो है, अभी उन्होंने एस्टीमेट लाया तो पुल बनाता हूँ 6,00,000 रुपये। लेकिन इसी सोशल मीडिया ने ये जो घटना है ना, इसकी पोल खोल दी। जो भगवंत मान कह रहे हैं, जनाब ने पूरा खर्चा निकाला कि इस लोहे और सीमेंट के जो दो पोल बने हैं ना, पुल तो है नहीं, पोल है, आप देख रहे हैं, इस पोल को बनाने का खर्चा 1,00,000 रुपये आएगा, सिर्फ 1,00,000 रुपये। 1,80,00,000 रुपये की जगह इन्होंने भ्रष्टाचार करते हुए 2 पोल बना दिए पुल की जगह, उस पोल को बनाने का भी खर्च 1,00,000 रुपया आएगा, यानी भ्रष्टाचार के ऊपर भी भ्रष्टाचार कर लिया गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, जिस पीटीसी टीवी ने ये जो वायरल वीडियो है, इस चैनल ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसके एमडी को, चैनल के एमडी को किसी पुराने हरेसमेंट कंप्लेन को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पीटते रहिए आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का डंका, वो सारे गैंग गायब हो गए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, जो कहते थे कि मीडिया को कुचला जा रहा है। पंजाब में एक चैनल ने केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक मामला दिखाया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए मामले तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ये तो आपने महाराष्ट्र में भी देखा है, किसी ने एक आवाज़ तक नहीं। जंगल राज की एक तस्वीर किसानों को लेकर है, आपको याद होगा कि चुनाव से पहले केजरीवाल ने किसानों को लेकर क्या क्या वादे नहीं किए थे, बल्कि किसान आंदोलन के समय भी उन्हें उकसाने के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न किए गए। लेकिन जब सत्ता मिली तो क्या हुआ, जब किसानों ने अपने फसल की कीमत मांगी तो उन्हें बदले में क्या मिली, लाठियां मिली और साथ में बोनस में FIR। तो ये है पंजाब की हकीकत। केजरीवाल के पंजाब में जंगल राज का नमूना, सबसे बड़ा नमूना उस समय भी देखने को मिला जब राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा कि, मतलब एक तरीके से मनगढ़ंत बातें थी, उसमें ये कहा गया कि उन्होंने राजनाथ सिंह को ये कहा था कि आप ये लिखकर दे दें कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, और मतलब एक आतंकवादी घटना, उस पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसके खर्चे, मतलब ऐसी ऐसी कहानियां आपने देखी होंगी, और उसमें कई सारे मैंने मेनस्ट्रीम मीडिया में भी दिखाया कि किस प्रकार वो झूठ बोल रहे थे, ये भी मीडिया वालों ने दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि भगवंत मान ने या केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो क्या है, अलगाववाद का बीज बोने और अलगाववादियों को खुश करने की एक प्रकार से ये कोशिश थी, और ये जब पूरे देश को दिखाई पड़ा तो समझ में आ गया कि ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है। इनके मंसूबे वैसे पंजाब को सिर्फ अलग करने के नहीं दिखते, बल्कि विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के भी दिखते हैं। अब देखिए ना कि जिस पंजाब में कानून व्यवस्था की इतनी खराब स्थिति है, वहाँ की पुलिस को विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दौड़ाया जा रहा है, दूसरे राज्यों में दौड़ाया जा रहा है। अब आप देखिए कि ये तजिंदर पाल सिंह बग्गा, इनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया। अब इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा वो तो अलग विवाद का विषय है, लेकिन बोलने वाला दिल्ली का, जिस पर बोला वो दिल्ली का मुख्यमंत्री, जगह दिल्ली, अब पंजाब पुलिस का क्या लेना देना। लेकिन चूंकि आपके हाथ में पुलिस आ गई है तो आप तो कुछ भी करेंगे तो कीजिए। अब यही हाल, अच्छा एक और भी है कि एक FIR को चुपचाप वापस भी ले ली गई थी, ये भी आपको मीडिया रिपोर्ट में दिखेगा। इसके अलावा एक बीजेपी महिला मोर्चा की लीडर है प्रीति गांधी, उसके खिलाफ भी पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। अब ये क्या हो रहा है आप इसको समझिए, और इनकी अराजकता पंजाब से
ये तो FIR की बात हुई, हर दिशा में फैलती जा रही है। सिर्फ अब ये नेता हूँ, विपक्षी नेता हूँ, ऐसा ही नहीं है। मैंने कांग्रेस नेता की लिंचिंग भी दिखाई थी आपको अभी शुरू में। इसके अलावा चंडीगढ़ को लेकर, मतलब हरियाणा और पंजाब के बीच झगड़ा फसाद शुरू करने की भी कवायद शुरू की गई है। और इसमें तीन पक्ष है, याद रखिएगा, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा। जब चंडीगढ़ का स्थानीय चुनाव हो रहा था तो यही केजरीवाल वहां पहुंचकर लोगों को ये डरा रहे थे कि मोदी सरकार जो है वो चंडीगढ़ को पंजाब को दे देगी, जबकि आप तो यूनियन टेरिटरी हैं। उनको वो डराया, चुनाव में वहां कई सीटें मिल गई। अब पंजाब में जाकर यही पार्टी लोगों को उकसा रही है कि पंजाब तो आपका है, आप क्यों नहीं मांगते, जो मतलब चंडीगढ़ कि चंडीगढ़ तो आपका है, आप क्यों नहीं मांगते, ये पंजाब में किया जा रहा। अब सोचिए, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं था पिछले कई वर्षों से, उस विवाद को खड़ा करने की ये कोशिश हो रही है, आप ये मीडिया रिपोर्ट में देख सकते हैं। साथियों, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही असली मालिक होती है, लेकिन जब जनता लालच के नशे में पड़कर कोई निर्णय लेती है तो उसे परिणाम में केजरीवाल जैसा ही नेता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।